वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लंग कैंसर के ऊपर। ऐसे आपने देखा है बहुत कैंसर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसमें जो लंग कैंसर है वो सबसे कॉमन है, फोर्थ नंबर पे यानी चौथे नंबर पे फेफड़ों का कैंसर है जो बहुत ही कॉमन कैंसर है। जो भी कैंसर्स हैं उनमें से 5.9% कैंसर से सफ़र जो कर रहे हैं पेशेंट वो लंग कैंसर के हैं। और इस लंग कैंसर का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज़ स्मोकिंग। अब ये स्मोकिंग चाहे आप खुद कर रहे हैं या सेकंड हैंड स्मोकिंग हो रही है, मीन्स कोई और स्मोक कर रहा है बट आप उसी के आसपास वर्किंग में एरिया के अंदर हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कारण है लंग कैंसर का। लंग कैंसर कॉमन हो गया है इसीलिए अगस्त में इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके अंदर यही लोगों को समझाया जाता है कि किस तरीके से आप लंग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्टली ये जो कैंसर की हिस्ट्री होती है वो फैमिली हिस्ट्री रही हो तभी देखने को मिलती है, बट इन दिनों में आप देखेंगे कि चाहे आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी कैंसर के केसेस उस फैमिली के अंदर होते हैं। तो उसके रीजंस यही है कि वो इस एनवायरनमेंट के अंदर हैं जो उनको कैंसर कॉज कर रहा है। अब चाहे कैंसर कोई भी हो उसी के कारण है, और उनका अपने हेल्थ को लेके अनअवेयर होना, उसको सजगता से नहीं देखना, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है वो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और अपनी जो अभी दुनियादारी है या हम बोल सकते हैं जो अभी की भागम भाग है उसमें वो सिम्टम्स को अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे जाके कैंसर का रूप ले लेते हैं। कैंसर एज वी नो कि ये एक सेल्स होती है हमारी बॉडी की जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है और वो आगे जाके एक ट्यूमर की तरह फॉर्म करके कैंसर का रूप ले लेती है, क्योंकि वो अनहेल्दी सेल्स होती है। तो इसके जो लंग कैंसर होंगे उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहला चेस्ट पेन, हमारी छाती में दर्द होगा। कई बार आप देखते हैं कि दर्द होता है, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाता है, बट जो दर्द कंटिन्यू हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो आपको एक तरफ ये भी सोचना चाहिए कि हमें इसका डायग्नोस करना है। बहुत ज़्यादा कफ आना, कफ ऐसा है कि चाहे वो ड्राई हो, फ्लेगम वाला हो, बट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जा नहीं रहा है तो उसको भी इसी क्राइटेरिया में लिया गया है। और बहुत से हैं जैसे फीवर हो रहा है विदाउट एनी नो रीज़न, आपका फीवर चले जा रहा है बट आप टेस्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मल है, तो भी आपको एक बार देखना चाहिए कि कहीं ये कोई और इंटरनल रीज़न, कैंसर का रीज़न तो नहीं बनता जा रहा है। ओवरऑल आपको मैं बताऊंगी कि कोई भी कैंसर हो उसमें ये कुछ सिम्टम्स जो ऐसे हैं वो हर एक कैंसर में आपको देखने को मिलेंगे। दैट कैन बी द इनिशियल साइन, हम बोल सकते हैं कि अर्ली स्टेज जो साइन होते हैं वो यही हो सकते हैं। सबसे पहला तो बिना किसी वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है, आपका अब खा पी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कोई सी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आप देखते हैं कि आपका वेट लॉस फिर भी हो रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका कोई आइडिया नहीं है कि हमें वेट लॉस करना है बट आपके फिर भी वजन कम होता जा रहा है बिना किसी कारण के, तो ये रीज़न हो सकता है कैंसर का, आपको रूल आउट करना चाहिए। दूसरा, आपको बहुत जल्दी थकावट फील होने लगती है, थोड़ा कुछ भी काम करते हैं आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, तो ये भी एक सिम्टम है। और थर्ड नंबर, लॉस ऑफ एपिटाइट, आपकी भूख ही ख़त्म होती है धीरे धीरे, बट जो वेट लॉस मैं बता रही हूँ उसमें आप खा पी रहे हैं बट आपकी बॉडी है जो वेट लॉस कर रही है। और जो सबसे मेन है फोर्थ, आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं, आप अपना बॉडी एग्जामिनेशन करते रहिए, हर महीने में एक बार ज़रूर करिए, चाहे कोई भी पार्ट हो उसको देखिए कि वो कहीं जो अपीयरेंस पहले थी वो कहीं उससे बदल तो नहीं रहा है। आपके जो लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में होते हैं वो लिम्फ नोड्स तो कहीं दिख नहीं रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से। तो ये तीन चार सिम्टम तो ऐसे हैं कि आप कोई भी कैंसर ले लीजिए उसमें आएंगे ही आएंगे, और ये इनिशियल जो हम कह सकते हैं साइंस होते हैं कैंसर के, तो लंग कैंसर में भी ये चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। इसका रीज़न यही है लंग कैंसर का, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा,
किसी को ये है, या सबसे मेन अभी है एनवायरमेंटल फैक्टर, या तो आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं यानी खानों में जो काम करते हैं, जो डीजल पेट्रोल की वाली जगह पे काम कर रहे हैं, या जो कॉटन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो आपका ऑक्यूपेशनल की वजह से ऑक्यूपेशनल डिजीजेज जो होती है लंग, वो मोस्टली लंग को अफेक्ट करती है और दैट कैन कॉज द कैंसर्स ऑफ लंग, तो ये कारण हो सकते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट एज वी नो कि क्या है इसका, बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप लंग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का रिस्क कम से कम हो, उसके लिए सबसे पहला है कि आपको, अगर स्मोकर हैं, सिगरेट स्मोकर हैं, तो सबसे पहले आपको स्मोकिंग क्विट करनी है। ये आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले बहुत स्मोकिंग की है तो दैट कैन ऑलवेज कॉज अ कैंसर, ऐसा नहीं है। बट यस, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लंग कैंसर का, इसलिए आपको लंग कैंसर को रिड्यूस या अवॉइड करने के लिए, मैं कह सकती हूँ अवॉइड करने के लिए, आपको स्मोकिंग आज से ही छोड़ देना है। सेकेंड वन क्या है, अवॉइड द सेकेंड हैंड एक्सपोजर टू द एयर पोल्यूशन या सिगरेट का जो स्मोक है उनसे। अगर आपके आसपास एरिया में आप देखते हैं कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसे आपको उसको तुरंत ही वहाँ पे टोक देना है ताकि वो स्मोकिंग ना करे। आपके घर में, फैमिली फ्रेंड्स में कोई स्मोकिंग कर रहा हो, आप उसको तुरंत बोल दीजिए कि वो अपना स्मोकिंग कहीं और जाके करे, और हो सके तो क्विट ही करे। अगर नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट आप सेकेंड एक्सपोजर से बचिए और उनको बोलिए कि वो कहीं और जाके अपना स्मोकिंग करे। ऐसे पब्लिक एरियाज़ में जाएँ जहाँ पर स्मोकिंग बैन हो, और अगर नहीं पॉसिबल है तो अपना मास्क यूज़ करें ताकि आप सेकेंड हैंड एक्सपोजर जो है स्मोक का, उससे बच सके। तो ये आपका सेकेंड हैंड एक्सपोजर जो है काफ़ी हद तक प्रिवेंट करेगा आपको लंग कैंसर से। जिनका ये ऑक्यूपेशन है वो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करें। अगर उनको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो दैट कैन डेफिनेटली क्रिएट अ लंग कैंसर। सो आपको वो चीज़ें, वो एरिया ही छोड़ देना है जहाँ पे आपको लंग कैंसर वाली दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अवॉइडेंस से ही हम बचा सकते हैं खुद को लंग कैंसर से। थर्ड वन क्या है, डाइट। स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी डाइट रिच इन फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, तो अप्रोक्स 25% जो लंग कैंसर के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा से एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ये सब चीज़ें हों। और अवॉइड क्या करना है इसके अंदर, आपको अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड करना है। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो प्लीज़ स्टॉप द अल्कोहल। और जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो बाहर का फूड होता है या जूसेस होते हैं प्रोसेस्ड, वो सब अवॉइड करना चाहिए। और एक फैट वाली जो डाइट्स होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आप जो लंग कैंसर का है एक्सपोजर 25% कम कर सकते हैं। एज प्रॉपर कोई भी ऐसा नहीं है कि डाइट की वजह से कोई लंग कैंसर हो, ऐसा नहीं है, बट इट विल ऑल्सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। तो आपको अपनी डाइट भी हेल्दी रखनी है। फोर्थ वन इज़ कीप मूविंग, यानी कि डेली एक्सरसाइज और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलर रखें। जब आप डेली एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे से प्रमोट करता है कि हम हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्दी बनाएं, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करता है, साथ ही साथ जो हमारा सेलुलर फंक्शन है उसको भी मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेली जिम हिट करना है या जिम जाना है, ऐसा नहीं है। आप घर पे भी योगा, नॉर्मल ब्रिस्क वॉक करके, नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटीज़ है, कोशिश करें कि जो भी ऐसा काम हो जिसे आप घूमते फिरते कर सकते हैं वो चीज़ें करें। डेली जिम जाके करना ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वो वॉक ही क्यों ना हो, नॉर्मल 1-2 किलोमीटर की वॉक ही क्यों ना हो। इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा और हमारी बॉडीज़ में जो सेल्स है वो नई बनती रहेगी। सर, आप जब किसी से पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कि हमारी बॉडी ही ऑटोमेटिकली, जो हमारी बॉडी में सेल्स है वो एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाती, यानी इन्फिनिट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स का
अनगिनत मल्टीप्लिकेशन होता रहता है जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर आप ये चार फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप लंग कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भी साइन सिम्टम हो, आपको कैंसर नाम सुनने से घबराना नहीं है। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो डेफिनेटली आप कैंसर की जो आगे है स्टेप्स उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कैंसर को फैलने से बचा सकते हैं अगर आप कैंसर पेशेंट्स हैं। मैंने बहुत देखा है कि अगर पेशेंट मोटिवेटेड है, वो इतना परेशान नहीं होता है कैंसर नाम को सुन के भी, तो कंपेरेटिव टू उन पेशेंट्स के जो कैंसर को लेके घबरा जाते हैं, कुछ मेंटली परेशान हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियस भी है, बट अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उनके जो सिम्टम्स हैं या उनकी जो कंडीशन है वो वर्सनिंग होती है कंपेरेटिव टू उन पेशेंट्स के जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से डील किया हो और स्ट्रांगली उसको हैंडल किया हो। आपको कोई भी सिम्टम ऐसा आता है, आप डॉक्टर कंसल्टेंसी ज़रूर लें, घबराए नहीं कि वो ऐसा कुछ बोल देंगे तो आप जाना अवॉइड कर दें। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, तो आगे से आपको घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करना है। होम्योपैथिक भी आपको इसमें हेल्प कर सकती हैं, इसके लिए भी आप होम्योपैथिक कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी भी अपने एरिया के अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से। आपको अगर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेनी है किसी भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कीजिए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले है उस पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले है, आप चाहें तो मुझे मेल कर दीजिए अपनी रिपोर्ट्स और कंप्लेंट्स, और मेल के थ्रू भी मैं आपको रिवर्ट बैक कर सकती हूँ। और साथ ही आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट में भी आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं उनके आंसर्स का रिप्लाई, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। और एक जो ज्वाइन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे चैनल के नेम के आगे, बिकॉज मैंने एक मेम्बरशिप वाला चीज़ ओपन किया है, ये इसीलिए है कि इसमें 89 रुपीज़ पर मंथ देके आप पूरे महीने में मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी प्रायोरिटी बेसिस पे ले सकते हैं इफ़ यू आर मेंबर ऑफ माय चैनल। तो आप वो ज्वाइन करके मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, एक मेरा ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वो ज्वाइन मेंबरशिप ले लीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। आप मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इससे ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको बीमारी है तो ही आप मेरे वीडियोस को देखें, कई बार आप देखेंगे कि अपने आसपास के ऐसे जो फैमिलीज़ के मेंबर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उनको भी मेरे इस वीडियोज़ के थ्रू उनको नॉलेज दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं उनकी। आपको फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो भी आपको हेल्प मिलेगी मेरी वीडियोस के थ्रू, क्योंकि मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही वीडियोस बनाऊँ और नॉर्मली सिंपल वे में आपको समझाऊँ ताकि आपको भी एक कॉम्प्लिकेट नहीं ऐसा फील हो कि हमें डॉक्टर सामने बैठ के समझा रहा है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से नॉर्मली सिंपल वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको होमली फील हो और आपको जब डॉक्टर जैसे कंसल्टेंसी देता है उसी तरीके से मुझसे कंसल्टेंसी आपको मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको मैं ये मानती हूँ कि मेंटल रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में पता चले। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।